हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको कुछ ऐसी जगह की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसे कुछ लोग एक देश मानते हैं तो कुछ लोग एक शहर। यहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। एक ऐसा शहर जहां की लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत तो होती ही हैं, और एक अच्छी बात यह है कि टूरिस्ट्स के साथ इन्हें दोस्ती करना भी काफी पसंद होता है। आज ये शहर पूरी दुनिया में एक बिजनेस हब के तौर पर पहचाना जाता है। इस शहर में घर खरीदना दुनिया में सबसे महंगा माना जाता है, और इस देश में कुंग फू खेल का लोगों के बीच काफी क्रेज है। बहुत से लोग इसे एक देश तो मानते हैं, लेकिन असल में ये चीन का एक प्रशासनिक क्षेत्र है। इसे आप एक स्वायत्त क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि आज इसकी अलग करेंसी है, अलग सरकार है और अलग नियम कानून। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एशिया का सबसे अनूठा शहर हांगकांग की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं हांगकांग के एक शानदार सफर पर। हांगकांग का पूरा नाम द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसकी कुल जनसंख्या 76 लाख के आसपास है। आपको बता दें कि हांगकांग की गिनती दुनिया के सबसे अमीर शहरों में की जाती है। इसकी जीडीपी 387.633 बिलियन डॉलर्स है। वहीं पर कैपिटा इनकम के मामले में भी हांगकांग की रैंक काफी ज्यादा ऊपर आती है। हांगकांग के लोग हर साल औसतन $62,000 कमाते हैं, जो भारतीय रुपयों में 39,000 के आसपास होते हैं। यानी हांगकांग में अगर आपने 3 साल भी नौकरी कर ली तो आप भारत में करोड़पति कहलाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हांगकांग नाम का मतलब क्या है। असल में हांगकांग का मतलब होता है एक खुशबूदार बंदरगाह है। हांगकांग में इंग्लिश और चाइनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये भाषा चीन में बोली जाने वाली भाषा से अलग होती, क्योंकि चीन में लोग मैंड्रिन चाइनीज भाषा बोलते हैं। वहीं हांगकांग में पारंपरिक कैंटोनीज चाइनीज भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं। हांगकांग के आधे से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं। इस धर्म को यहाँ आस्था के साथ पूजा जाता है, लेकिन इस धर्म को ना मानने वाले लोगों का संख्या भी उतनी ही है जितना मानने वाले। यहाँ का कानून लोगों को हर धर्म का पालन करने की इजाजत देता है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची बौद्ध मूर्ति हांगकांग में स्थित है। हांगकांग में लोगों के बीच कुंग फू को लेकर एक अलग ही क्रेज रहता है। ब्रूस ली और जैकी चैन जैसे स्टार्स को हांगकांग के लोग अपना आइडल मानते हैं, और इन दोनों ही स्टार्स की फिल्में आज भी यहाँ काफी पसंद आती है। आपको बता दें कि हांगकांग का लिटरेसी रेट भी काफी अच्छा है, और यहाँ 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त है। देश की कुल आबादी में 94% लोग साक्षर है, और बात करें हांगकांग के लोगों का आईक्यू लेवल की तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, और इसकी गिनती दुनिया के सबसे समझदार देशों में की जाती है। यहाँ के लोगों का औसतन आईक्यू लेवल 107 के आसपास है, जो इसे दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा आईक्यू लेवल वाला देश बनाता है। और यही कारण है कि आज इस शहर के लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा समृद्ध मानते हैं। भले ही हांगकांग चीन से आजाद है, लेकिन आज भी चीन हांगकांग पर काफी ज्यादा जुर्म करता भी नजर आता है। हांगकांग के पास अपनी खुद की करेंसी है और सरकार है, लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी चीन की है। हांगकांग पिछले कई सालों से एक प्रमुख बंदरगाह भी रहा है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि हांगकांग शहर 263 आइलैंड्स से मिलकर बना हुआ है। इनमें कई आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं, तो वहीं ज्यादातर आइलैंड्स पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। हांगकांग की इकॉनमी दुनिया की 35वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। चीन की इकॉनमी को दुनिया की सबसे बेहतरीन इकॉनमी बनाने में हांगकांग का काफी अहम योगदान रहा है। दोस्तों, हांगकांग ने लगातार 4 सालों तक बेस्ट बिजनेस सिटी का खिताब जीता, और इसकी वजह यहाँ का कम टैक्स रेट। हांगकांग की सरकार अपने देश में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना चाहती है, और इसी वजह से यहाँ पर टैक्स रेट बहुत ही कम देखने को मिलती है। कम टैक्स से आकर्षित होकर कई कंपनियां इस देश में निवेश करती है, जिससे हांगकांग को खूब फायदा मिलता है। हांगकांग में रियल एस्टेट का कारोबार भी काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर दुनिया में सबसे महंगे घर मिलते हैं। इस शहर में घर खरीदना आसान नहीं है, सिर्फ करोड़पति ही यहाँ पर घर खरीद सकते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग एक स्क्वायर मीटर जगह की कीमत में 1,84,000 हांगकांग डॉलर तक पहुँच गई थी। हांगकांग में आपको सड़कों पर सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ी दौड़ती हुई नजर आएगी। हर साल हांगकांग के लोगों द्वारा ही सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी जाती है। साथ ही आपको बता दें कि हर 1 मिलियन लोगों पर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स भी आपको हांगकांग में ही देखने को मिलेंगे। इस शहर में कुल बिलियनियर्स की संख्या 68 तक पहुँच गई है। हांगकांग शहर की लड़कियाँ काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, और ये फ्रेंडली नेचर की भी मानी जाती है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है और शक्ल सूरत ठीक ठाक है, तो यहाँ की लड़कियों से दोस्ती करना बहुत आसान है, और एक बार दोस्ती होने के बाद आप इन लड़कियों को डेट पर भी ले जा सकते हैं। दोस्तों, हांगकांग में आप कई शानदार बीचेस की भी सैर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समुद्र किनारे घूमते वक्त आप गाना गाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हांगकांग के कानून के अनुसार समुद्र के किनारे किसी भी व्यक्ति को गाने की अनुमति नहीं है, और इस कानून का उल्लंघन करने पर जेल की सजा का प्रावधान भी है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति गाना चाहता है या फिर उसे पार्टनर को गाकर प्रपोज करना है, तो इसके लिए उसे उस इलाके के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से लिखित में परमिशन लेनी पड़ेगी। हांगकांग में आप एक शानदार नाइट लाइफ का आनंद ले सकते हैं। पूरे शहर में कई क्लब्स और बार्स है, जहाँ जाकर आप मौज मस्ती
कर सकते हैं। हांगकांग में वैश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है। हांगकांग के लोग एक लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। यहाँ पर आपको हर कोई पैसे वाला ही मिलेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस शहर में रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर देशों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों का शराब पीना बैन है और नाबालिग बच्चे शराब बेचने का काम भी नहीं कर सकते। लेकिन हांगकांग में इसका एकदम उल्टा है जनाब। यहाँ आधी रात को 12 से 15 साल के युवा भी आपको सड़कों पर शराब बेचते नजर आ जाएंगे। हालांकि शराब पीने की लीगल एज इस शहर में भी 18 ही है। दोस्तों, हांगकांग के लोग भी अंधविश्वास में काफी ज्यादा यकीन करते हैं। जी हाँ, इस देश में 4 नंबर को अनलकी समझा जाता है, इसलिए हांगकांग के कई होटल्स में आपको 4 नंबर का फ्लोर या 4 नंबर का कमरा भी देखने को नहीं मिलेगा। और हांगकांग के लोगों के घरों में अगर पहले लड़का पैदा होता है और उसके बाद लड़की पैदा होती है तो इसे भी काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। हांगकांग में अगर कोई कुत्ता पालना चाहता है या 5 महीने से ज्यादा समय के लिए कुत्ते को घर में रखना चाहता है तो इसके लिए उसे डॉग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हांगकांग का कानून गे मैरिज को मान्यता नहीं देता। हालांकि पिछले कुछ सालों में कोर्ट ने कई शादियों को मंजूरी प्रदान की, लेकिन फिर भी हांगकांग के लोग समलैंगिक लोगों को एक अपराधी की नजर से ही देखते हैं। कुछ साल पहले हांगकांग के एक बड़े बिजनेसमैन ने ऐलान किया था कि अगर कोई पुरुष उसकी बेटी का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है तो वो उसे $130 मिलियन का इनाम देंगे। असल में लड़की खुद को लेस्बियन मानती थी और उसके पिता चाहते थे कि वो आम लड़कियों की तरह ही लड़के से शादी करे, और इसीलिए पिता ने बेटी को आकर्षित करने वाले पुरुष को इनाम देने की घोषणा की। हांगकांग में वैसे तो डेमोक्रेसी मौजूद है, लेकिन यहाँ की चुनी हुई सरकार के पास बहुत कम ताकत होती है और हांगकांग के ज्यादातर छोटे बड़े और मुख्य फैसले चीन की सरकार द्वारा ही लिए जाते हैं। चीन हर मामले में हांगकांग में अपना टांग अड़ाने की कोशिश करता है। इस बात को लेकर ब्रिटेन द्वारा आपत्ति भी जाहिर की जा चुकी है और वो चीन पर संधि तोड़ने का आरोप भी लगाता है, लेकिन चीन ने आज तक ना तो किसी की सुनी है और ना शायद किसी की सुनेगा। और इसका खामियाजा चीन की सरकार को नहीं बल्कि यहाँ के नागरिकों को भुगतना पड़ता है। इतिहास की बात करें तो एक समय पर हांगकांग चीन का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सन 1842 में इंग्लैंड ने चीन पर हमला कर दिया और दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन की हार हुई, जिसके बाद अंग्रेजों ने हांगकांग को अपने कब्जे में ले लिया। 155 सालों तक राज करने के बाद सन 1997 में हांगकांग को अंग्रेजों से आजादी मिली। लेकिन इसके बाद अंग्रेजों और चीन के बीच एक संधि हुई कि चीन की सरकार इसे एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता देंगे और इसे अपने देश में मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। हांगकांग वैसे तो काफी खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ का मौसम कुछ अलग ही मिजाज दिखाता रहता है। हांगकांग में तूफानों का अचानक आना आम बात होती है, लेकिन यहाँ पर इन तूफानों से निपटने के लिए हाईली एफिशिएंट सिस्टम अपनाई जाती है। चाहे हांगकांग में कितना भीड़ भाड़ हो, आपको चारों तरफ पार्क और ग्रीनरी देखने को मिलेगी। इस छोटे से शहर का 40% हिस्सा पेड़ पौधों से ही घिरा हुआ है। साथ ही यहाँ पर कई गगनचुंबी इमारतें भी बनी हुई है। आपको पूरे शहर में 800 से भी ज्यादा आपको ऊंची ऊंची इमारतें नजर आएंगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर है। 108 मंजिला इस इमारत की ऊंचाई 484 मीटर है और ये दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची इमारत भी है। वहीं दुनिया का सबसे लंबा एस्केलेटर भी हांगकांग में ही देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई 800 मीटर है। इस हसीन शहर में न्यू ईयर, ईस्टर और क्रिसमस जैसे कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। अप्रैल के महीने में एक स्पेशल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग अपने घरों में केक बनाकर रख देते हैं। लोगों का मानना है कि बुरी आत्माएं और भूत प्रेत ये केक खाते हैं और इस केक को खाने के बाद वे आम लोगों को परेशान नहीं करते। दोस्तों, हांगकांग का खाना भी माशाल्लाह लाजवाब होता है। इस शहर के लोग अपने जन्मदिन पर नूडल्स खाना सबसे अच्छा मानते हैं। पून चोई यहाँ की एक लोकप्रिय डिश है। साथ ही आपको जहाँ चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, मैक्सिकन और थाई फूड जैसे सभी प्रकार का खाना यहाँ पर मिल जाएगा। हांगकांग में घूमने के लायक भी ढेर सारी जगह है, जिनमें से डिज्नीलैंड के बारे में तो आप सभी ने काफी बार सुना ही होगा। इसके अलावा तियान टैन बुद्ध पूरे शहर की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 34 मीटर है। आज ये पूरे हांगकांग का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। चेलिन ननरी में कई ऐतिहासिक मंदिर बने हुए हैं, जहां प्राचीन संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यहां पर लकड़ी पर कई खूबसूरत वास्तुकला का काम किया गया है। साथ ही हांगकांग ग्लोबल जियो पार्क भी पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। इस पार्क में कई सक्रिय ज्वालामुखी भी मौजूद है। इसके अलावा आप ड्रैगनस बैक माउंटेन पर ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। हाइकिंग के शौकीन लोगों को साइकुंग नाम की जगह भी जरूर पसंद आएगी। हांगकांग में ज्यादातर देशों के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है, लेकिन भारतीय लोगों को यहां जाने के लिए किसी भी प्रकार के वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। हांगकांग का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट में शुमार है। इसका साइज 20 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। कई बार इसे बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार भी मिल चुका है। वैसे तो हांगकांग घूमने के लिए हर साल 5 से 6 करोड़ पर्यटक आते हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस संख्या में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर इस शहर में पर्यटक छुट्टियां मनाने के लिए जाने लगे हैं। हांगकांग में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 80,000 से 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे। हांगकांग की
करेंसी है हांगकांग डॉलर, जिसकी वैल्यू सिर्फ 10.15 भारतीय रुपीस के बराबर है। तो दोस्तों ये था हांगकांग, कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है हांगकांग की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।